लड़की की हत्या किया जाएगा, उनको जानकारी था तो उसमें इसलिए मांग के तो लेके गए थे, बट उसमें जब घटना के बारे में जब जानकारी हुआ, कोई स्टेप कि जब घटना हुआ नहीं इस टाइप का, तो काजी मंसारी लेके गए तो उसको जानकारी हुआ, तो इसीलिए डर के उन्होंने छुपा दिया था। सर कहाँ छिपाया था? अपने घर पे। दूसरे दिन उसको उन्होंने एग्जैक्ट टीम को हम दिए थे, तो अभी हम उनका फिर और पूछताछ अगले तारीख किया जाए उनको और किसी पर शक है क्या? तो वही हम बता रहे, पहले हमको एक कागज़ उन्होंने दिया जब हम गए थे मिलने के लिए, जब डीएस के साथ देते उस टाइम हमको कागज़ भी हम ले लिए और उनको बातचीत हुआ है, फिर हम लोग अगर अनुसंधान में पूछताछ जारी रहेगा। नहीं, उन्होंने ये बात बताया कि उनको ये पता था कि उनके पिताजी सूद का या शराब का कारोबार करते थे, कुछ बताया उन्होंने? तो उस टाइप का नहीं जो उन्होंने बताया कि, बट हम लोग जो कागज़ मिला है उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर एक सवाल ये कि प्रमोद सहनी जो जीतन सहनी के साथ रहा करता था, उसका खाना वाना बनाया था, बताया जाता कि वो रोज रहता था, आखिर घटना के दिन पुलिस भी इंट्रोगेट किए होते, लेकिन घटना के दिन वो सडनली घर पे नहीं था, अगर नहीं था तो गया कहाँ था और क्यों गया था, बाहर क्यों था? वो सुबह रात में खाना खा के, वो जैसा उसको पूछताछ कर रहा, रात में खाना खा के वो घर चला गया था, और हम लोग अभी तक जो अनुसंधान किए हैं अभी तक इसमें जो गिरफ्तार हुआ है उसी के क्रम में उनको भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और अग्रतर बगल बगल लोगों को भी पूछताछ जारी है, और पूछताछ किए हम लोग बहुत सारे लोगों को पूछताछ किए, और जो सीसीटीवी जो फुटेज आधार पर अभी भी कुछ लोगों को चिन्हित किया पूछताछ कर रहे हैं, अगर अनुसंधान अग्रसर अनुसंधान में जो भी तत्व आएंगे उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई रीजन वो बताया कि उस रात क्यों नहीं वो था प्रमोद सनी, कोई रीजन बताया कि उस घर में क्यों नहीं था? खाना खा के बोला था सर जाके सो गए, तो बताया जाता है कि वो वहीं रात को सोता था, ऐसा कुछ रात में भी सोता था? नहीं सोता था। ठीक सर, वो घर पीछे से दरवाजे लोग अंदर गए थे, अंदर जाके वहाँ जो चाबी लोग खोजने की कोशिश किया संदूक का, फिर वो जग गए, जगने के बाद विरोध हुआ, विरोध के क्रम में काजी मंसारी के द्वारा वार किया गया, और बाकी लोग भी थे उसके साथ में, और वार करके उनको घटना को कारित किया। अच्छा, ये जो पहले उसने संदूक को तोड़ने की कोशिश की, चाबी खोजी, तो पहले ये खोजा या फिर पहले मारपीट किया? पहले चाबी को खोजने की कोशिश किए लोग, तब तक वो जग गए थे, क्योंकि जगने के बाद फिर वहाँ विरोध हुआ, विरोध के बाद उनका हत्या करके ये लोग बाद में संदूक लेके चले गए। जब संदूक पुलिस को बरामद हुआ तालाब से, तो क्या उसमें ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ था। किस तरह का ताला लगा हुआ था, कुछ बता पाएंगे? ताला लगा हुआ था उस टाइम, बाद में उसको क्या उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, क्या ऐसा ताला था क्या? तो देखिए वो थोड़ा प्रयास तो ये लोग किया, क्योंकि रात में था, अंधेरा था, वहाँ लाइट कटा हुआ था, उसी के क्रम में ये लोग जाके लेने की कोशिश किया, बट वजन ज़्यादा था और वो लोग जाके फेंक के उसको भाग गए। कितने ताले लगे थे संदूक में? एक ताला। सर एक सवाल जहन के अंदर आ रहा है कॉमन लोगों को भी, हत्या के पीछे मोटिव का होना बहुत जरूरी है, तो आखिर इसका हत्या करना, इसका मेन मकसद था जमीन का पेपर लेना, तो हत्या भी किया और जमीन का पेपर भी लेने में यह असफल रहा, जबकि घर के अंदर इसका फ्रेंडली आना जाना था, तो कई चीज़ इसे पहले से ही पता रहा होगा, तो ये कैसे हो गया? इसमें कुछ लग रहा है कि और भी चीज़ जाँच की जरूरत है? नहीं नहीं, इसमें जो मोटिव तो यही है कि क्योंकि परेशान था, बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, और इसको ये लोग कागज़ लेके जाने के लिए ये भी था, बट उसमें जब अनबन हुआ तो उसको मारने के भी ये लोग सोचे थे, तो उसी के क्रम में ये लोग घटना कारित किया गया। तो इसको तो पता रहा होगा पहले से कि इसी में पेपर है जो संदूक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, इनको पता था क्योंकि ये लोग आना जाना था उनका वहाँ। सर तीन गिलास की जो बात आ रही है कि वहाँ तीन गिलास रखे होते, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उसमें कुछ था भी या सादा जी? FSL में हम लोग जैसा लास्ट पहले भी हमने बताया PC में कि इनको जब्त करके हम लोग FSL के लिए, फिंगरप्रिंट भी उसमें मिला हुआ, और जब्त करके हम लोग FSL का भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। पूरे मामले में सर और किसी की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं, क्लोज हो गया पूरा मामला? अभी तक तो अनुसंधान में अभी ये पहले चार गिरफ्तारी हुआ, अभी मंजूर की गिरफ्तारी हुआ, अभी हम लोग अग्रतर अनुसंधान में अगर कुछ बात आते हैं तो फिर हम लोग उसको देखा जाएगा। इन चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी, जिस तरह से ये लोग हत्या किए हैं ये कॉमन नहीं हो सकता है, इस तरह का कुछ आपराधिक इतिहास नहीं है? अभी हम लोग जो हमारा जो हिस्ट्री में अभी तक जो जांच पड़ताल में तो नहीं है। सर घटना स्थल से कितनी दूरी पर इन्होंने चाकू को छिपाया था? लगभग ऑलमोस्ट 800 मीटर। क्या किस चीज़ का वो दुकान था जिसमें इसमें चाकू को डाला? वो जो दुकान जो मंजूर जी का था, मंजूर वो
जो जाड़पुर का दुकान है, जाड़पुर करते हैं, वो उसमें जो जो चाकू है उसको जाड़पुर पे यूज़ करते थे और तावीज़ भी बनाते थे उससे। क्या सर